हेलो दोस्तों, मेरे टेक्निकल एकेडमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल टेक्निकल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो नई नई मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए हुए मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर को एक मज़ेदार तरीके से कैसे लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ना आपको कंप्यूटर को अपने रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, ना शटडाउन करने की ज़रूरत है। डायरेक्टली आप कैसे अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी हमें कहीं जाना पड़ता है या जल्दी में हम अपना कंप्यूटर लॉक नहीं कर पाते हैं तो दूसरे हमारा कंप्यूटर को यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के रखें, ये सबसे ज़रूरी सी चीज़ है। और चलिए मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अपना कंप्यूटर को लॉक करेंगे। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल से अपने कंप्यूटर पे विंडो की दबाए रहना है और उसके साथ एल की प्रेस करनी है और तुरंत आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, अगर आपने पासवर्ड डाला हुआ है तो वो लॉक हो जाएगा, अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला हुआ है तो वो डायरेक्ट साइन इन आपसे मांगेगा। साइन इन करने के लिए तो आप साइन इन पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, और आप अगर पासवर्ड डाल रखा है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता, कभी कभी गलती से भी वो अगर दबा देते हैं ऐसा तो वो परेशान हो जाते हैं कि अरे कैसे हो गया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका है जिससे आप अपना कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।